बेंटन क्लासिक में हमें एक ऐसा एलियन दिखाया गया जिसकी आंखें ना होने के बावजूद भी वो सब कुछ देख सकता था, और इस एलियन की स्मेलिंग पावर भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी। तो हाँ, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बेंटन के एलियन वाइल्डमर्ट के बारे में। आखिर कौन था वाइल्डमर्ट और उसकी क्या पावर थी, और आखिर वाइल्डमर्ट की आंखें क्यों नहीं होती है, सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। बस वीडियो में बने रहना और जानेंगे वाइल्डमर्ट की पूरी ऑरिजिन स्टोरी और उसके सभी ऑसम फैक्ट्स। और आंखें भी नहीं है, ये किस काम का जो देख भी नहीं सकता। तो यार, वाइल्डमर्ट की स्टोरी स्टार्ट होती है उसके होम वर्ल्ड वल्पिन से, और यहीं पे वाइल्डमर्ट की पूरी स्पीशीज रहती है वल्पी मैंसर। पर हमें वल्पी मैंसर का होम वर्ल्ड वल्पिन कभी बेंटन की सीरीज में दिखाया नहीं गया। ये तो हमें दिखाया गया था बेंटन एलियन फोर्स विलगेक्स अटैक गेम में, और बेन का वल्पिन पे मिशन होता है जिसकी वजह से बेन को वल्पिन पे जाना पड़ता है और उसे बहुत से वल्पी मैंसर से लड़ना होता है और हराना होता है। तो अब बात करते हैं कि सभी वल्पी मैंसर की आंखें नहीं थी। तो ऐसा नहीं था, सारे वल्पी मैंसर की आंखें थी लेकिन उन्होंने अपनी आंखें खो दी। तो इसका कारण जानने से पहले हमें वल्पी मैंसर के होम वर्ल्ड वल्पिन के बारे में थोड़ा और जानना पड़ेगा। तो वल्पिन एक बहुत ही ज्यादा ब्लैक प्लैनेट है और वो पूरी गैलेक्सी के खत्म होने के बाद आता है। वल्पिन को ब्लैक प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पॉइजनर गैस से भरी हुई है और वहाँ पे कुछ ही स्पीसी सर्वाइव कर सकती है और वल्पी मैंसर सर्वाइव कर सकते हैं। और वल्पिन पे इतनी ज्यादा पॉइजनस गैस और पॉल्यूशन होने के कारण वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसलिए वल्पी मैंसर को भी वहाँ पे कुछ नहीं दिखता, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आइस का यूज करना छोड़ दिया। और धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी आइस का यूज करना छोड़ दिया जिसकी वजह से वो म्यूटेट हो गए और उनकी आइस धीरे धीरे खत्म हो गई। पर इन सब के अलावा भी वल्पी मैंसर के बहुत से पावर्स भी है कि वल्पी मैंसर आराम से डायमंड हेड के क्रिस्टल को तोड़ सकते हैं बिना किसी परेशानी के, और यहाँ तक कि वल्पी मैंसर की स्मेलिंग पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, और यहाँ तक कि वल्पी मैंसर खड़ी बिल्डिंग पे तो बिल्कुल इजीली चढ़ सकते हैं। और इसी सब कारणों के लिए एजमत ने वल्पी मैंसर का डीएनए ऑमनिट्रिक्स के लिए सिलेक्ट किया, जिसके बाद हमें वाइल्डमर्ट पहली बार बेंटन क्लासिक में देखने को मिला, जहाँ पे ग्वेन वाइल्डमर्ट को स्टिक से मारने की कोशिश करती है लेकिन कमाल की स्मेलिंग फ्रिक्वेंसी की वजह से वाइल्डमर्ट उससे बच जाता है। और उसके बाद वाइल्डमर्ट हमें कई बार कितने विलन को हराता हुआ दिखता है। पर बेंटन क्लासिक के खत्म होने के साथ ही वाइल्डमर्ट को बेंटन एलियन फोर्स से स्किप कर दिया जाता है, पर वापस से वाइल्डमर्ट को बेंटन अल्टीमेट एलियन में दिखाया जाता है, जहाँ पे वाइल्डमर्ट के पास उसका अल्टीमेट फॉर्म भी होता है और वाइल्डमर्ट उसके बाद बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और उसके बाद वाइल्डमर्ट हमें बेंटन ऑमनिवर्स की सीरीज में दिखता है, जहाँ पे वाइल्डमर्ट का लुक बहुत ही ज्यादा चेंज कर दिया जाता है। पर इन सब के अलावा भी वाइल्डमर्ट के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हैं जो मुझे लगता है वाइल्डमर्ट के फैंस को जानने चाहिए। तो बेंटन के अल्टीमेट सीरीज में वाइल्डमर्ट जैसे ही अल्टीमेट वाइल्डमर्ट बनता है तो वाइल्डमर्ट बोल सकता है, जो कि पहले नहीं कर सकता था। और अल्टीमेट वाइल्डमर्ट की स्मेलिंग फ्रिक्वेंसी भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और वाइल्डमर्ट की पॉपुलरिटी इतनी ज्यादा है कि अल्टीमेट सीरीज के फोर्ज ऑफ क्रिएशन वाले एपिसोड में जब 10 साल वाले बेन का क्रॉसओवर होता है तो उस वक्त भी बेन दूसरा एलियन वाइल्डमर्ट ही बनता है। तो इससे हमें दिखता है कि वाइल्डमर्ट की पॉपुलरिटी कितनी ज्यादा है। और यहाँ तक कि बेंटन की फर्स्ट लाइव एक्शन मूवी बेंटन रेस अगेंस्ट टाइम में वाइल्डमर्ट को भी दिखाया जाता है, जो कि बेंटन के सबसे खतरनाक एलियन इयोन को हराता है। और इन सब के बाद वाइल्डमर्ट हमें बेंटन थाउजेंड के पास दिखता है, जहाँ पे उसकी खुद की पूछ आ गई होती है। लेकिन यहाँ पे वाइल्डमर्ट प्लस वल्पी मैंसर की फैक्ट्स खत्म नहीं हुए, तो अभी थोड़ा और रुक जाओ। वल्पी मैंसर के होम वर्ल्ड वल्पिन के बाद हमें वल्पी मैंसर कई बार नल वॉइड में भी देखने को मिले थे, और यहाँ तक कि वल्पी मैंसर अपनी फैमिली के वल्पी मैंसर के अलावा किसी और अनजान वल्पी मैंसर से बात तक नहीं करते। अगर उनसे कोई बात करने का कोशिश भी करता है तो उस अनजान वल्पी मैंसर को मारने पे तुल जाते हैं वल्पी मैंसर। और यहाँ तक कि वाइल्डमर्ट को दोनों को ही सोनिक साउंड या सोनिक विसल से बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। अगर बेंटन को वायरल कोल्ड हो जाता है तो उसकी वजह से वाइल्डमर्ट की स्मेलिंग फ्रिक्वेंसी जीरो हो जाती है, और जहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट की धुंधली बिज बनती थी वहाँ पे ये येल्लो डॉट आते हैं, जिसकी वजह से वाइल्डमर्ट कुछ नहीं देख सकता और बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है। और वाइल्डमर्ट से जुड़ी हुई एक लास्ट बात मैं बैट लगा सकता हूँ कि 70% लोगों ने इस पे बिल्कुल भी गौर नहीं किया होगा, जो बेंटन क्लासिक के वाइल्डमर्ट का ट्रांसफॉर्मेशन स्टाइल है उसे बेंटन अल्टीमेट एलियन में और बेंटन ऑमनिवर्स में एक जैसा रखा गया, जबकि बाकी सारे एलियन के ट्रांसफॉर्मेशन स्टाइल चेंज कर दिए गए। तो इसी से पता चलता है कि वाइल्डमर्ट के ट्रांसफॉर्मेशन स्टाइल में बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है वो स्टाइल। अगर किसी ने भी ये चीज नोटिस की होगी तो कमेंट में जरूर बताना। तो यहीं पे खत्म होती है वाइल्डमर्ट की पूरी ऑरिजिन स्टोरी और उसके सभी ऑसम फैक्ट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं मिलता हूँ आपको बेंटन के ऐसी किसी अमेजिंग एलियन की ऑरिजिन वीडियो में। ये बोल नहीं सकता, किसी को तो ये करना ही था।
बेंटन के विलन के ओरिजिन वीडियो देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो को देखें और बेंटन के एलियन के ओरिजिन वीडियो देखने के लिए नीचे वाली।